Deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. ए पर्सन में बी गेटिंग एन फूड टू ईट यहाँ पर एक पर्सन है फूड सफिशियंट ले रहे हैं लेकिन उसमें पर्टिकुलर एक न्यूट्रिय मिस हो रहे हैं सो so, एक दिन होगा तो चलता है एक दो दिन में लेकिन कंटिन्यूसली मंथली वीक्स मंथ्स निकल जा रहे हैं कई न्यूट्रिय उसमें कोई पर्टिकुलर एक न्यूट्रियट नहीं है तो तभी क्या होता है वो पर्सन को वो पर्टिकुलर न्यूट्रियट की डिफिशियंसी आ जाता है इस तरह पना मोर न्यूट्रियस की डिफिशियंसी होगा तो डिजॉर्डर्स आ जाते हैं उनकी बॉडी में दो डीज डिजॉर्डर्स को क्या कहते हैं डिफिशियंसी डिजॉर्डर्स डिस ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिय इस तरह के न्यूट्रियस की नहीं मिलने की वजह से डिसीजेस आता है उनको डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं इफ़ यो पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हीज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टर्नड ग्रोथ अगर स्वेलिंग ऑफ फेस डिसकलरेशन ऑफ हेयर स्किन डिजीजेस एंड ढाइरिया इस तरह होता है मतलब कई, कोई पर्सन है उसको रोज फूड में प्रोटीन नहीं ले रहे तभी क्या होता है उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है अच्छी तरह से बॉडी ग्रो नहीं होता है एंड फेस में स्वेलिंग आ जाता है ओके एंड स्किन डिजीजेस भी डायरिया भी होता है इफ़ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ मे स्टॉप कम्प्लीटली इस तरह प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से नहीं ले रहे थोड़ी दिन ले थोड़ी दिन तो चलता है डिफिशियंसी आ जाता है लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं लिया है कब से नहीं लिया है तभी एकदम स्टॉप हो जाते हैं उनकी बॉडी की ग्रोथ सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक बहुत पतला हो जाता है वीक हो जाता है देखने में बहुत वीक दिखता है

ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन भी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग ए बैलेंसड डाइट कोई भी डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ होगा तो इसका मतलब क्या है बैलेंसड डाइट नहीं ले रहे हैं so, सो इससे बचने के लिए बैलेंसड डाइट लेना चाहिए इन दिस चैप्टर वी ऑस्कड अर्ज अल्स द रीज़न वाई वाइडली वेयरिंग फूड फ्राम डिफरेंट रीजनस हैज ये कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. So इसलिए हमको सारे टाइप की फूड खाने होते हैं इसकी वजह से हमारा बैलेंस डाइट फुलफिल हो जाता है एंड आल न्यूट्रिएंट्स वी कैन गेट ओके एंड सी द टेबल टू पॉइंट थ्री सम डिसीजेस डिजॉर्डर्स कॉजर बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिय विटामिन एंड मिनरल्स एक कॉलम में दिया है डिफिशियंसी ऑफ डिजॉर्डर एक कॉलम में दिया है एंड सिम्टम्स भी दिया है विटामिन ये विटामिन ये लॉस होने से क्या होता है लॉस ऑफ विजन हमारा विजन अच्छी तरह से देख नहीं सकते हम ये विटामिन ये डिफिशियंस से हो जाता है सिम्टम्स uh, क्या है पूर विजन लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस समाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन अच्छी तरह से नहीं दिखता है रात को डार्कनेस में नहीं दिखता है या कभी कभी पूरा विजन ही चला जाता है नेक्स्ट विटामिन बी वन उसका डिजॉर्डर क्या होता है बेरी बेरी वीक मजल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क अगर बॉडी में विटामिन बी वन नहीं होगा तो हमारा मजल्स वीक हो जाता है एंड एनर्जी नहीं लग नहीं होता है काम करने के लिए नेक्स्ट विटामिन सी उसका डिजॉर्डर क्या है स्कर्वी एंड सिम्टम्स क्या है ब्लीडिंग गम्स वाइ टेक लॉन्गर टाइम टू हील विटामिन सी कम होगा तो हमारे मुंह में गम से ब्लीडिंग निकलता है एंड कोई भी कभी लगता है ना उसको हील करने के लिए बहुत दिन लगता है नेक्स्ट विटामिन डी विटामिन डी का डिफिशियंसी से क्या होता है रिकेट्स आ जाता है रिकेट्स मतलब बोन्स की प्रॉब्लम है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड बैंड हो जाता है नेक्स्ट कैल्शियम कैल्शियम की कैल्शियम के कम होने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है बोन एंड टूथ डे के हो जाता है वीक बोन्स एंड टूथ डे के दर द सिमटम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम नेक्स्ट आयोडिन आयोडिन डिफिशियंसी से गोइटर हो, हो जाता है गोइटर क्या होता है स्वेलिंग ऑफ द नेक यहाँ पे नेक उसमें स्वेलिंग हो जाता है एंड ग्लैंड वहाँ पे जो भी ग्लॉन्ड्स है वो एनलार्ज हो जाता है ग्लैंड इन द नेक अपीअ स्वोलन मेंटल डिजिलिटी इन चिल्ड्रन यहाँ पर आयोडिन डिफिशियंसी होगा तो छोटे बच्चों में मेंटली वीक हो जाता है एबिलिटी कम हो जाता है एंड नेक में स्वेलिंग भी आ जाता है फर्स्ट आयरन आयरन का डिफिशियंस क्या होता है अनिमिया हो जाता है अनिमिया मतलब डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है ब्लड कम हो जाता है अनिमिया होता है इसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी में वीकनेस आ जाता है दिस इज अ सेकंड चैप्टर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड